हरदा का जिक्र करेंगे। कुख्यात बदमाश राकेश विश्नोई गिरफ्तार हुआ है। डकैती के एक मामले में फरार था विश्नोई। डकैती के 11 महीने बाद गिरफ्तारी हुई है। एमपी राजस्थान में दर्ज है 30 मामले, हत्या डकैती पुलिस पर हमले जैसे मामले दर्ज। अपराधी का नाम राकेश चोटी राकेश बिश्नोई है। इस आरोपी के ऊपर करीब 30 से अधिक अपराध हैं, इसमें 307 के अपराध किए हैं, 302 के अपराध किए हैं। और हरदा ज़िले में लास्ट डकैती जो खमलाए गांव में हुई थी हीरालाल पटेल जी के यहां पे, उसमें यह फरार आरोपी था। यह बड़ा ही कुख्यात आरोपी था। करीब राजस्थान में इसके अपराध हैं, मध्य प्रदेश में हैं और अन्य ज़िलों में इसके अपराध थे। और इस प्रकार से इसको कल रात को 8:30 बजे इसको पकड़ा गया है चीपावड़ थाना क्षेत्र से। कुख्यात बदमाश राकेश विश्नोई की गिरफ्तारी हुई है। लंबे वक्त से इसे पुलिस खोज रही थी, 11 महीने बाद अब जाकर के गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण जुड़ गए। प्रवीण, जानकारी मामले में। जी, ये जो राकेश चोटी है ये हरदा जिले का नहीं, ये पूरे संभाग का एक कुख्यात बदमाश था। इस पर लगभग 32 मामले इस पर दर्ज थे, जिसमें जो अपराध थे वो काफी संगीन अपराध थे। और विगत 6 जून 2023 को इसने ग्राम खमलाए में, यहाँ पर एक पूर्व सरपंच है हीरालाल पटेल, उनके घर पर 50 लाख रुपए की डकैती की घटना इसने की थी। और जब से ये लगातार फरार चल रहा था, पुलिस इसको तलाश कर रही थी। लेकिन कल ये इसको जो है बीवर की गुफा, यहाँ पर जिले में एक जगह है, वहां से जंगल से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी यहाँ पर पुलिस ने उसके साथ गिरफ्तार किया। लगभग ये 30,000 रुपए का इनामी ये बदमाश था। और इस पर मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में भी इस पे कई तरीके के गंभीर मामले दर्ज हैं। एक इस पे खंडवा जिले में रेंजर की हत्या का मामला भी इस पे दर्ज है। और जब ये डकैती की घटना हुई थी उसके बाद ये पुलिस विभाग के ASI को चाकू मारकर यहाँ से फरार हुआ था। पुलिस को ये एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। इंदौर का जिक्र करेंगे। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने खुदकुशी की है। कांग्रेस नेता मनोज सुले ने फांसी लगाकर जान दे दी। राव नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने जान दे दी है। राव स्थित अपने कोल्ड स्टोरेज पर फांसी लगा ली। पारिवारिक विवाद में फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस नेता थे मनोज। और ग्वालियर में 52 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है। शराब की 702 पेटी जब्त की गई है। टैंकर में छपाकर शराब ले जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी कार्रवाई हुई है। महाराजपुरा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन पेटियों को चेक किया गया तो सारी विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब है उसमें, और करीब 702 पेटियां बरामद की गई है जिनकी कीमत 52 लाख से अधिक है। टैंकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के नाम पर संचालित हो रहा है, उसका जो मालिक है ये बाड़मेर का रहने वाला अचला राज जाट है, जो इसी के नाम से टैंकर है। अभी प्राइमरी जो सूचना इसने दी है उसके आधार पर कोई मनीष नाम का व्यक्ति है जिसने सीकर में इसको टैंकर हैंडओवर किया था, और ये शराब विभिन्न जिलों से होते हुए इसको नागपुर लेके जाना था, और नागपुर के बाद फर्दर डेस्टिनेशन में गुजरात में कहीं ले जाके शराब इसको सप्लाई करनी। भोपाल का जिक्र करेंगे। यहाँ पर हॉस्टल में बच्ची के साथ दुष्कर्म पर सीएम सख्त हुए हैं। सीएम यादव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। SIT का गठन किया है। दुष्कर्म मामले में DCP का बयान भी आया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि की है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मामला भी दर्ज किया गया है। और आज इसमें SIT का गठन कर दिया गया है, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति इसमें गठित की गई है। मेडिकल रिपोर्ट मैडम क्या कुछ निकल कर आया? मेडिकल क्या हो गया है बच्ची का? हाँ, मेडिकल हो गया है। सेक्सुअल असोल्ट का ही अपराध पंजीबद्ध। ऐसा कुछ भी हुआ हो तो मैं साथ खड़ी हूँ उसके। यदि ऐसी कोई चीज है उनके पास प्रूफ है। अकेले बोलना प्रूफ नहीं होता है कि आपने किसी के भी ऊपर ऐसा नाम लगा दिया। हम लोग भी उस चीज को समझते।
तो वहीं बच्ची सिरे पर कांग्रेस ने वार किया, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर वार किया। हॉस्टल में मासूम बच्ची से रेप को लेकर सरकार को घेरा है कांग्रेस ने। रेप छेड़छाड़ महिला अपराध में एमपी नंबर वन हो चुका है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश नंबर वन पर आ चुका है। जल्द जांच कर पीड़ितों को इंसाफ दिलाना, ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश छेड़छाड़, बलात्कार और महिलाओं के साथ निरंतर हो रहे अपमानजनक घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर एक पर है। सबसे बड़ी चिंता की ये बात है कि इस सरकार के रहते जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाएं, हमारी बच्चियां असुरक्षित हैं, ये बहुत चिंता की बात है। कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया, बच्ची से रेप वाले बयान पर कांग्रेस पर पलटवार किया। मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज, एसआईटी का गठन हुआ है। सीएम ने जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। कांग्रेस नेता महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, कांग्रेस को महिला अपराध पर बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, महिला अपराध पर राजनीति करने वाले कांग्रेसी दोगले हैं और दोहरा चरित्र रखते हैं। ये वही कांग्रेसी हैं जो अपने मंच पर महिला विरोधी और महिला अत्याचार करने वाले नेताओं को पनाह देते हैं, उनको जगह देते हैं। कोई टंच माल कहता है, कोई आइटम कहता है और किसी के बंगले में महिला प्रताड़ित होकर आत्महत्या करती है, और लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी चुप होकर वहां से चली जाती है। ऐसे कांग्रेसी ज्ञान न दें। भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है महिला अत्याचार के प्रति। हमारी सरकारों ने फांसी पर चढ़ाने की भी सजा है जो कानून है वो सबसे पहले हमारी सरकार में बनाया। उक्त मामले में एसआईटी गठित की जा चुकी है, त्वरित संज्ञान लिया जा चुका है। संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई नहीं बचेगा। पर कांग्रेस कम से कम ये घृणित राजनीति बंद करे। उज्जैन का जिक्र करेंगे, नाबालिग छात्रों का यौन शोषण हुआ है। आश्रम में पढ़ने वाले छात्रों का यौन शोषण हुआ है। दांडी आश्रम के छात्रों ने आरोप लगाया, दो आचार्यों पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। फिलहाल पूरे ही मामले में अभी जांच पड़ताल जारी है। जबलपुर कबाड़ खाने ब्लास्ट मामले में कार्रवाई की गई है। 6 विस्फोटक सामग्री को डिफ्यूज किया गया, जिला पुलिस की BDDS टीम ने डिफ्यूज किया है। कबाड़ खाना गोदाम में जिंदा बम मिले हैं। बम डिफ्यूज के पहले आसपास के लोगों को हटाया गया। गोदाम के आसपास का ये इलाका है जिसे प्रतिबंधित क्षेत्र बताया गया है। फरार शमीम कबाड़ी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मानते नहीं ना, मतलब मानते नहीं ना, मतलब मानते नहीं ना, मतलब खजरी खरिया वाले मामले में जो रचा मेटल इंडस्ट्रीज के जो भगौड़े आरोपी हैं समीम कबाड़ी, उनके उससे जो भी सर्च के दौरान जितनी भी खोखे सेल और जो वहाँ पर बम मिले थे, उस सभी चीज़ों को आज BDDS की एक्सपर्ट टीम के द्वारा विस्फोट करके उसको सुरक्षित, उसका नष्टीकरण किया गया है और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए बात करेंगे भिंड की, जहाँ पर प्लास्टिक के पाइपों में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड सहित पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कई सारे नुकसान की भी यहां पर आशंका जताई गई है। सरकारी पाइप काहे के गाड़ी पूरी
प्लास्टिक के पाइपों में भीषण आग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी, कई सारा नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। हालांकि किन्हीं कारणों से आग लगी है अब तक सामने नहीं आ पाया है, जांच का विषय है। जानकारी भी लेंगे सहयोगी से, पर पहले आपको ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्लास्टिक के पाइपों में भीषण आग की तस्वीरें। ज़्यादा जानकारी के लिए रवि रवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, प्लास्टिक के पाइपों में भीषण आग की तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या कारण बताए जा रहे हैं आग के? जी, मैं आपको बताऊं कि आज भिंड जिले की लाहर विधानसभा क्षेत्र में सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आज एक दिवसीय दौरे पर आए थे और यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे थे सांसद संध्या राय के समर्थन में। लेकिन उससे कुछ चंद घंटे पहले यहाँ पर एक नल जल योजना के, बताया जा रहा है कि नल जल योजना के जो पाइप रखे थे प्लास्टिक के, उसमें अचानक से चिंगारी भड़क गई। क्योंकि इस समय भिंड जिले का तापमान भी बहुत बढ़ रहा है, 40 से ज्यादा हो रहा है, तो तापमान भी वजह हो सकता है। वहीं आसपास किसी के द्वारा चिंगारी भड़काई गई या क्या कारण है उस पर अभी फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन वो इतनी ज्यादा आग भड़की कि प्लास्टिक के जो पाइप थे वो धू धू कर जलने लगे और आग की जो लपटें थी वो करीब 4 से 5 मंजिल ऊपर तक लपटें जब पहुंचने लगी तो स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना दमकल को दी और स्थानीय पुलिस को भी दी। तो मौके पर लाहर थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा में पुलिस बल के पहुंचे और वहां दमकल की गाड़ियों को भी बुलाया तो आनन फानन में जो पाइप में जो भीषण आग लगी हुई थी उस पर काबू तो पा लिया गया है और फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी आग लगाई कैसे गई। चूंकि एक बहुत बड़ी चूक भी मानी जा सकती है कि आज सीएम का दौरा था और सीएम के दौरे से पहले ये महाराणा प्रताप चौराहा बताया जा रहा है वहां पर ये आग लगी है लाहर में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता राम निवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद राम निवास रावत ने कहा कि उन्होंने 40 साल तक कांग्रेस के लिए काम किया, जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए तब भी पार्टी नहीं छोड़ी, कई दूसरे नेताओं को कांग्रेस छोड़ने से रोका और जब टिकट देने की बारी आई तब उनकी अनदेखी की गई। राम निवास ने कहा कि पार्टी ने हमेशा हमारे साथ अन्याय किया। सीएलपी मुझे बनने का नंबर था, ईमानदारी से अगर परफॉर्मेंस के आधार पर बनाते निर्णय लेते तो राम निवास को बनाया जाता और इसके पहले भी और इस बार भी। और इसके बाद लोकसभा के टिकट की जब बारी आई पहले तो हमें उस समय देते रहे जब चुनाव हारने की स्थिति थी, इस बार चुनाव जीतने की स्थिति थी उस समय हमें टिकट न दे करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो एक दिन का सदस्य नहीं। और तीसरे चरण के मतदान की तैयारी हो रही है। तीसरे चरण में एमपी की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 9 लोकसभा सीटों पर 127 प्रत्याशी मैदान में हैं। तीसरे चरण में कुल 37 करोड़पति उम्मीदवार हैं। ज्योतिरादित्य एमपी के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। सिंधिया देश के दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। दिग्विजय सिंह पर सबसे ज्यादा 17 मामले दर्ज हैं। एमपी में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में 40 के पार तापमान पहुंच चुका है। रीवा में रिकॉर्ड 43 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। प्रदेश के 17 जिलों में पारा 40 के पार है। 3 मई को एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला में तापमान बढ़ेगा। बालाघाट समेत कुछ शहरों में बेहिसाब पारा बढ़ेगा।